हाय माय लवली व्यूअर्स, रेस्टोरेंट में हम हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं या फिर कुछ ऐसा जो हम घर पे नहीं बना पाते। आज जायकावत संगी में हम घर में अवेलेबल सामग्री से ही रेस्टोरेंट जैसा धुआंदार वेज सिजलर बनाएंगे, वो भी बिना सिजलर पैन। तो चलिए वेज सिजलर बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 500 ग्राम जितने आलू को उबालकर उसे मैश करके ले लिया है। उसमें हम डाल देंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरे मिर्च जिसे मैंने दरदरा पीस कर ले लिया है। आप इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। एक छोटा सा बीट जिसे कद्दूकस करके ले लिया है मैंने। थोड़ी सी हरी धनिया जिसे अच्छे से धोकर बारीक कट करके ले लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप जितना पोहे। आप यहाँ पे मकाई के पोहे आते हैं वो भी ले सकते हैं। ये पोहे को मैंने भिगोए नहीं है, ये ड्राई है। आधा नींबू लेकर उसका हम रस निचोड़ देंगे। आप यहाँ पे नींबू के बदले अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं। ट्रस्ट में बीट और आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इसमें और भी कोई वेजिटेबल्स यूज करना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि उबले हुए मकई के दाने, कलरफुल कैप्सिकम आप इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें और ज़्यादा मॉइस्चर है तो इसमें पोहे और ऐड कर सकते हैं। तो पोहे को हमें बिल्कुल भी भिगो के इसमें नहीं डालना है, क्योंकि आलू में काफ़ी मॉइस्चर रहता है तो, और बीट का भी हमने इस्तेमाल किया है तो उन दोनों में काफ़ी मॉइस्चर पाया जाता है, तो पोहा पूरा उसमें से मॉइस्चर सक कर लेगा। अगर आप इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाना चाहते हैं तो वो भी आप 1 कप जितना मिला सकते हैं। इस तरह की टिक्की हम बना के ले लेते हैं। तो चलिए, 4 टिक्की इस तरह से बनाकर तैयार हो गई है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे। चलिए तब तक हम बना लेते हैं बारबेक्यू सॉस, जो ये सिजलर की जान है। तो उसके लिए मैंने एक पैन गरम करने रख दिया है और उसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर, 1/2 टेबलस्पून तेल ताकि हमारा बटर जल ना जाए, 1/2 टीस्पून अदरक जिसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, 1/2 टीस्पून लहसुन जिसे बारीक कट करके ले लिया है, 1 प्याज, बहुत ही छोटा प्याज मैंने ले लिया है यहाँ पे, और उसे भी मैंने बारीक कट करके ले लिया है। अब इन सभी को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि इसमें जो कच्चापन है लहसुन का, प्याज का, अदरक का, वो निकल जाए। ये 2 मिनट इसे मैंने भून कर ले लिया है। अब हम गैस स्लो करके ले लेंगे। 1/4 कप गुड़ घी तो वो हम डाल देंगे यहाँ पे। एक्चुअल में तो ब्राउन शुगर यूज़ होता है, लेकिन हर घर में ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं होता है तो मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और गुड़ को मेल्ट करने के लिए हम 1/4 कप जितना पानी इसमें मिला देंगे। तो देखिए, ये गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये मेल्ट हो गया है। 3/4 कप टोमेटो केचप, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अब इसे हम मिला देते हैं अच्छे से। देखिए, इसे गाढ़ा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना है हमें, इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी ही रखनी है। अब इसमें हम मिला देंगे 1/4 कप विनेगर। आप यहाँ पे विनेगर के बदले इमली या अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट जैसा ही अगर टेस्ट चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पे विनेगर का ही यूज़ करें। बस ये हमारा बारबेक्यू सॉस तैयार है, हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो चलिए, अब बारी है स्टीयर फ्राई वेजिटेबल्स की। तो उसके लिए मैंने पैन गरम करने रख दिया है और उसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर जले नहीं इसलिए उस पर हम डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून तेल। अब यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने गाजर लिए हैं जिसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे काट कर ले लिया है, 1 कैप्सिकम, 2 बेबी कॉर्न इस तरह के मैंने लेकर इसको कट करके ले लिया है, उसे हम डाल देंगे इसमें। बीन्स है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, प्याज, उबले हुए मकई के दाने, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने हाई फ्लेम पर इसे रोस्ट करके ले लिया है तो इसमें
ये देखिए आप देख सकते हैं ब्राउनिंग इफेक्ट आ जाती है। तो इस तरह से हमें भून कर ले लेना है। अब रहा सवाल बीन्स का, बीन्स को थोड़ा टाइम लगता है, तो या तो फिर आप बीन्स को 1 या 2 मिनट पहले पानी में उबाल ले और फिर इसमें डाल दें, या तो फिर ये बीन्स पके तब तक इसमें उसे फ्राई कर लें। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 टेबलस्पून काली मिरी पाउडर, ये फ्रेश कूट कर ले ली है मैंने जिससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा, और थोड़ा सा नींबू का रस बस, और कुछ नहीं हम डालेंगे इसमें। ये भी तैयार है। अब बारी है राइस की, तो उसे भी हम सॉटे करके ले लेते हैं। तो पैन में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून तेल, 1/2 टीस्पून जीरा। तो स्टीयर फ्राई वेजिटेबल्स में हमें वेजिटेबल्स को ओवरकुक नहीं करना है, उसे हमें क्रंची ही रखना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून अदरक जिसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, 1/2 टेबलस्पून लहसुन जिसे बारीक कट करके ले लिया है मैंने, 1 प्याज जिसे लंबे कट करके ले लिया है। मीडियम फ्लेम पर अब इसे हम भून लेते हैं। देखिए तो प्याज हमारे हल्का सा गुलाबी रंग के हो गए हैं, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक। ये हम सिर्फ प्याज के लिए हम नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि राइस जो हम ऐड करेंगे उसमें मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून काली मिरी पाउडर, ये भी फ्रेशली कूट कर ले लिया है जिससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब बारी है राइस की, जिसे मैंने ऑलरेडी कुक करके ले लिया है, वो डाल देंगे। बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें जो वेजिटेबल्स यूज करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने स्टीयर फ्राइड वेजिटेबल्स बनाया है तो मैंने इसमें सिर्फ प्याज का इस्तेमाल किया है। आपके मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। बस एकदम हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी इसे मैंने कुक करके ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप जितना चावल लेके, बासमती चावल लिया है, उसे मैंने कुक करके ले लिया है, और कुक करते वक्त उसमें नमक ऐड कर दिया था। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और हमारा राइस एकदम तैयार है। इसे हमें बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व करना है, तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा बारबेक्यू सॉस है। बारबेक्यू सॉस के बिना ये सिज़लर तैयार नहीं होता है, तो इसे हमें माइल्ड ही रखना है। हम गैस ऑफ कर देते हैं। चलिए अब बारी है टिक्की को फ्राई करने की। तो उसके लिए मैंने तेल अच्छे से गर्म करके ले लिया है, और टिक्की को फ्रिज में से मैंने बाहर निकाल के ले लिया। ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट होकर तैयार है। तो अब इसे हम डाल देते हैं तेल में। 2 टिक्की इसमें हम पहले फ्राई करके ले लेते हैं। हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करके मैंने ले लिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर इसको तल कर ले लेती हूँ कुछ देर बाद। अब देखिए इसका कलर, अब इसे हम पलट देते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। दूसरी ओर से भी हम गोल्डन ब्राउन कलर करके ले लेते हैं। चलिए तो ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। इसे हम निकाल लेते हैं, और दूसरी टिक्कियां भी मैं इसी तरह फ्राई करके ले लेती हूँ। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए अब उसी तेल में हम फ्रेंच फ्राई बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू को इस तरह से लंबे काट कर ले लिए हैं। तेल तो हमारा गर्म है ही, और उसमें संभल कर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंच फ्राई हल्की सी लाल हो गई है ना, तो हम पहले तो इसे निकाल देंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और दूसरी बार इसे हम फ्राई कर लेंगे, तब जाकर ये क्रिस्पी बनेगी। मैंने फ्रेंच फ्राइज को फिर से तेल में डाल दिया है। फ्रेंच फ्राई को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर ले लिया था, और अब इसे फिर से हम फ्राई करके ले लेंगे, तब जाकर ये क्रिस्पी बनेंगे। चलिए तो ये फ्रेंच फ्राइज हमारी एकदम तैयार हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इन फ्रेंच फ्राइज में हम थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे, और थोड़ी सी काले मिरी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। चलिए अब हमने सब कुछ रेडी करके ले लिया है, बस असेंबल करना है। तो अब इसके लिए अगर आपके पास सीज़लर प्लेट है तो वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप घर में जो भी पैन अवेलेबल है उसे ले ले। ये साइज़ का पैन ले या इससे बड़ा वाला पैन ले, नो प्रॉब्लम।
अब यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके ले लिया है। अब यहाँ पे कुछ गोभी है, कैबेज, जिसे मैंने कट करके ले लिया है लंबे लंबे, तो इसे हम बिछा देंगे यहाँ पे। तो चलिए अब बारी है राइस की, तो हम राइस इस पर रख देते हैं। आपका पैन बड़ा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी इसमें डाल सकते हैं। अब बारी है वेजिटेबल्स की, तो वो हम इस पर प्लेस कर देंगे। बहुत ही कलरफुल वेजिटेबल्स लग रहे हैं। अब बारी है टिक्की की, तो उसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और अब फ्रेंच फ्राइज। अब बारी है इसमें बटर डालने की, जिससे सिजलिंग इफेक्ट आएगी, स्मोकिंग इफेक्ट आएगी। छोटे छोटे पीसेस करके इसे फ्रीजर में रख दिया था, तो वो डाल देंगे। तो ये जैसे मेल्ट होगा ना, तो स्मोकिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें धुएं के लिए हमें जो बटर यूज़ किया है वो चिल्ड करके ले लेना है, तब जाके ये धुआं निकलेगा। ये देखिए कितना बढ़िया धुआंदार सिजलर घर पर ही हमने बना लिया है, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। तो कहिए वेल सिजलर बनाना था ना एकदम आसान। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड एंजॉय। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।